अस्सलामुअलैकुम प्ले ग्रुप, आज हम उर्दू की साइट का पेज नंबर 44 सॉल्व करेंगे। कल हमने पेज नंबर 43 सॉल्व किया था। इसमें एक प्यारी सी डॉल थी और उस डॉल में हमने जो है जीम राइट किया था। आज हमने इस पेज पे करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है। हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। ये जो सब हरूफ दिए गए हैं जीम टे से खे, इन हरूफ को जो भी इसकी तस्वीर है उसके साथ मैच करना है, उसको मिलाना है। चलिए सबसे पहले हम तस्वीरों के नाम पढ़ लेते हैं। ये जो सब फ्रूट्स दिए गए हैं, फल दिए गए हैं, जिसमें सेब है, ये नाशपाती है, अंगूर हैं, ये सब क्या होते हैं, इनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? समर, समर। और ये जो मकड़ी बनाती है जाल, ये वो है जाला। ये है खंजर, ये ट्रॉली। आप मामा के साथ जो हाइपर स्टार जाते हैं या रहीम स्टोर वगैरह जाते हैं मॉल्स में, आप वहाँ पे देखते हैं, आप लोग मामा जब शॉपिंग करती हैं, ग्रॉसरी की चीज़ें लेती हैं, तो वो एक ट्रॉली के अंदर रखती हैं इस तरह से। इसको कहते हैं ट्रॉली। समर, जाला, जाला या जाल, खंजर, ट्रॉली। अब हम देखते हैं कि इन तस्वीर को किन हरूफ से मिलाना है। सबसे पहले हमें दिया गया है जीम। जीम से शुरू होने वाली जो नाम है तस्वीर का, वो कौन सा है? समर, जाला। अब देखें, ज जैसी आवाज़ किस में आ रही है? जाला में। तो हम जाला को किससे मैच कर देंगे? जीम से। अगला है हमारे पास टे। टे हमने देखना है कि इसके जो है तस्वीर कौन सी है। समर, अब देखें इसमें ट की आवाज़ तो आ ही नहीं रही। खंजर, इसमें भी नहीं आ रही ट की आवाज़। ट्रॉली, टे ट्रॉली, इसमें टे की आवाज़ आ रही, तो हम टे को ट्रॉली से मैच कर देंगे। टे ट्रॉली। अगला है हमारे पास से, इसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, एक दो तीन, इसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, उसे हम कहते हैं से। अब हमने देखना है स जैसी आवाज़ किस में आ रही है। समर, देखिए इसमें स जैसी आवाज़ आ रही है ना, से समर, हम से को समर से मैच कर देंगे। आगे है हमारे पास खे। खे, खे जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है ऊपर, वो होता है खे। खे खंजर, खे खंजर। फिर से देख लेते हैं अब एक दफ़ा। जीम जाल, जीम जाल, टे ट्रॉली, टे ट्रॉली, से समर, से समर, खे खंजर, खे खंजर। चले भी, आपने इसको अच्छे से इन तस्वीर के नाम लर्न करने हैं। जब आपको तस्वीर के नाम लर्न हो जाएंगे, आपको जो पता चल जाएगा कि इसका कौन सा हर्फ है। चले मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें सवाल कौन सा दिया गया है। दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरों के नीचे तीन लेटर्स दिए गए हैं, तीन हर्फ दिए गए हैं, तो इन हरूफ में हमने देखना है कि इस तस्वीर का हर्फ कौन सा है। कि ये जो है तस्वीर, इसका फर्स्ट लेटर, पहला हर्फ कौन सा है। चले सबसे पहले हम तस्वीर के नाम पढ़ लेते हैं। चाबी, चाबी, ये है खुबानी। आजकल हम खुबानी खाते हैं जिसके अंदर से बादाम सा निकलता है, खुबानी। तौलिया, हम जो सारा दिन हैंड वॉश करने के बाद हम जिससे ड्राई करते हैं उसको तौलिया बोलते हैं। पेंसिल, पेंसिल, चाबी, खुबानी, तौलिया, पेंसिल। चले हम देखते हैं चाबी का जो है फर्स्ट लेटर कौन सा है। चाबी जीम से होती है, जिसमें देखें आप, हमने वो लेटर करना है जिसमें चर्ज सी आवाज़ आती है। जीम, जिसके अंदर एक नुक्ता होता है जीम, अलिफ, और जिसके अंदर तीन नुक्ते होते हैं वो क्या होता है? चे, चे। जीम अलिफ चे, अब देखिए चे चर्ज सी आवाज़ चे में आ रही है, चे को हमने सर्कल करना है, उसके गिर्द दायरा लगाना है। चे चाबी, चे चाबी।
आगे हमारे पास खुबानी, खुबानी यानी ख जैसी आवाज इसमें आ रही है। ये क्या है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है, वो क्या होता है बे। जिसके ऊपर एक नुक्ता है उसके बैली के अंदर कुछ नहीं होता, वो क्या होता है खे। और जिसके अंदर एक नुक्ता है वो क्या होता है जीम। बे खे जीम होते हैं। ख जैसी आवाज किस में आ रही है खे में, तो खुबानी क्या के खे खुबानी, खे खुबानी। आगे है हमारे पास तोलिया, अलिफ मद आ, देखें इसमें त की आवाज ही नहीं है। जिसके अंदर तीन नुक्ते बैली में होते हैं वो होता है चे, इसमें भी त की आवाज नहीं है। और जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं वो क्या होता है ते, ते तोलिया, सर्कल ते, ते तोलिया। आगे है हमारे पास पेंसिल, अब जिसमें प जैसी आवाज आएगी। ये क्या है जिसके नीचे तीन नुक्ते होते हैं पे, और जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं वो क्या होता है से। जिसके अंदर छोटी सी तोय होती है वो क्या होता है पे। तो आप देखें प जैसी किसकी होती है पे की आवाज, पे पेंसिल, पे पेंसिल। चे चाबी, चे चाबी। खे खुबानी, खे खुबानी। ते तोलिया, ते तोलिया। पे पेंसिल, पे पेंसिल। अब आपने इन तस्वीर के नाम अच्छे से लर्न करने हैं। जब आपको तस्वीर के नाम लर्न हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके हरूफ कौन से हैं।